15.5 मीडिया और जन सहभागिता। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक दूसरे तक पहुंचाना संचार है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं, जैसे अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि, पत्रिकाएं, सिनेमा आदि। 15.5.1 जन सहभागिता में मीडिया की भूमिका। संचार के माध्यम हमेशा से ही शासन में जनता की सहभागिता बढ़ाते रहे हैं, लेकिन आज तकनीकी क्रांति के कारण संचार के माध्यमों का विकास तेजी के साथ हुआ है, साथ ही लोगों की संचार के साधनों तक पहुंच बढ़ रही है। तकनीक में सुधार के चलते आज देश विदेश की खबरें हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम देख सकते हैं कि समाचार चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं कोई घटना घटित होती है तो उसकी सूचना तुरंत इन समाचार चैनलों के माध्यम से हम तक उसी वक्त पहुंच जाती है। इन संचार के साधनों ने शासन में लोगों की भागीदारी बहुत सहज ढंग से बढ़ाई है। संचार के ये साधन केवल सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनमत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। अब लोग सरकार के किसी कार्य या किसी घटित घटना पर मीडिया की खबरों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं, साथ ही बहुत तेजी से अपनी राय लोगों तक भी पहुंचा देते हैं। हाल के दिनों में ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिनमें मीडिया ने जनमत तैयार किया। निर्भया कांड से सब लोग परिचित ही होंगे। दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने अमानवीय हरकत की। मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह बात पहुंची तो लोगों ने अपनी राय एक दूसरे से साझा करना प्रारंभ कर दी। बहुत जल्द इस घटना ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। देश के अनेक हिस्सों में अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए। लोगों द्वारा सरकार पर पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का दबाव बनाया गया। इस दबाव में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मीडिया का था। लोगों का दबाव इतना था कि अंततः सरकार को पुराने कानून में बदलाव करते हुए ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सजा को और अधिक सख्त कर दिया गया। इस कानून के परिणाम स्वरूप अब यदि कोई 16 साल का लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा अमानवीय हरकत करता है तो उसे वयस्कों की भांति सजा दी जा सकेगी। इसी प्रकार 2011 में प्रारंभ हुए जन लोकपाल बिल के आंदोलन की व्यापकता पर भी मीडिया के प्रभाव को देखा जा सकता है। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जन लोकपाल बिल बनाने के लिए मीडिया का बेहतर ढंग से उपयोग किया था। मीडिया के माध्यम से ये लोग अपनी बात लोगों तक आसान और प्रभावी ढंग से पहुंचा पाए और इसी कारण लोगों का बड़ी संख्या में आंदोलन को सहयोग प्राप्त हो सका। इस प्रकार बदलते हुए समाज की ज़रूरतों के अनुसार मीडिया ने लोगों को शासन में भागीदारी के नए अवसर और नए विकल्प उपलब्ध कराए। शासन में जन सहभागिता बनाने में मीडिया एवं संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी तरफ मीडिया के कुछ खतरे भी हैं। मीडिया या तो सरकार के या बहुत धनी कंपनियों के हाथों में होती है। ये अपने निहित स्वार्थ या संकुचित हित के लिए अपने चैनल या पत्रिका का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर मीडिया में काम करने वाले पत्रकार आदि शहरी मध्यम वर्ग के होते हैं, जो गरीब या ग्रामीण अंचल के लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर सकते हैं। अगर मीडिया किसी खबर को गलत ढंग से लोगों तक पहुँचाती है तो लोग उसके प्रभाव में आ सकते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह और अन्य संगठन अपने मत के प्रचार के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मीडिया को इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मीडिया की हमेशा सकारात्मक पहल होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र में उसकी भूमिका बढ़ती रहे। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र में जन सहभागिता के बारे में जाना। हमने देखा कि जन सहभागिता लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। भारत के संदर्भ में हमने यह भी देखा कि जन सहभागिता के बहुत से तरीके संविधान में ही दे दिए गए हैं, लेकिन संविधान के बाहर भी ऐसे बहुत से साधन हैं जिनसे लोग शासन में अप्रत्यक्ष ढंग से सहभागिता करते हैं। दबाव समूह और मीडिया ऐसे ही साधनों में से महत्वपूर्ण साधन हैं जिनकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई थी।
किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि सरकार में लोगों की सहभागिता के नए अवसर बनते रहें ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता रहे।